Hey guys, welcome back to your YouTube channel Miss Rajeki Classes. Guys, first of all, thank you to watching my both videos. And guys, बिना time waste करे start करते हैं आज का video. Guys, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे first year का SOL का book लिया है आपको समझाने के लिए. First year जिसमें आपको paper third जो है business and industrial law, जिसमें आपको total 7 units है वो आपको पढ़ने हैं. गाइस, फर्स्ट ईयर का ये वीडियो होगा आपको, जिसमें थर्ड ईयर पेपर थर्ड है आपका इसमें, और लॉ है. तो लॉ के अंदर जाने से कौन कौन से यूनिट है, क्या हमें इसमें पढ़ना है, इससे पहले मैं आपको बताऊं लॉ को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. गाइस, लॉ को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने लॉ ऑफ लैंड का नॉलेज होना चाहिए. क्यों नॉलेज होना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी लॉ का पालन आप नहीं करते हो, कोई भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, और उसके बेसिस पे अगर आपको कोई पनिशमेंट दी जाती है, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि मुझे इस लॉ की जानकारी नहीं थी इसलिए मुझे पनिश ना किया जाए. इसलिए गाइज, हमें लॉ को पढ़ना चाहिए. गाइज, लॉ के बारे में आपको जानकारी हो गई कि लॉ को हमें पढ़ना क्यों चाहिए. गाइज, उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ लॉ के प्रकार हैं, यानी कि कौन सा लॉ किस चीज़ से डील करता है. तो चार प्रकार के ऐसे लॉ हैं: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. क्रिमिनल लॉ गाइस उन चीज़ों से डील करता है जो क्रिमिनल ऑफेंस है. कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस की अगर बात करता है तो वो क्रिमिनल लॉ उससे डील करेंगे. उसमें एग्जाम्पल है आपका इंडियन पेनल कोड, ठीक है, IPC. सिविल लॉ अगर कोई फैमिली मैटर में डिस्प्यूट है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाना है वो सिविल लॉ देखता है. जैसे एग्जांपल है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ. कॉमन लॉ गाइस डे टू डे एक्टिविटी जो आप करते हो उसमें जिस लॉ का इस्तेमाल आप करते हो वो होता है कॉमन लॉ, और उसमें इसका एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है. हर एक व्यक्ति का कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जिस लॉ को बनाया जाता है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स एक्ट 1961. गाइज, ये हर एक व्यक्ति के लिए बनाता है, चाहे आप टैक्स पे कर रहे हो या टैक्स नहीं पे कर रहे हो. टैक्स नहीं भी पे कर रहे हो तो आपको इस एक्ट में ही छूट मिलती है, इस कारण आप टैक्स को नहीं पे करते हो. अभी जो गाइज आपने देखा वो था क्या, वो था आपका कितने प्रकार के लॉ होते हैं. सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं है. सिलेबस आपका ये है SOL की बुक, जिसे आप प्लीज़ या तो फिजिकली आपके पास अवेलेबल है बुक्स मटेरियल आपके पास, तो उसको आप प्लीज़ फॉलो करिएगा मेरी वीडियोस को देखते वक्त, या फिर अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिकली आप PDF के रूप में SOL के साइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें जो 7 यूनिट्स पढ़ने हैं इसमें वो 7 यूनिट्स कौन कौन से हैं. गाइस, फर्स्ट यूनिट जो होगा आपका इसमें वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है. सेकंड जो है आपका इसमें वो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है. थर्ड है आपका ये, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो है आपका सेकेंड. फोर्थ है आपका द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एंड बाकी के लास्ट तीन जो है वो है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट और ग्रेचुटी एक्ट. तो टोटल 7 एक्ट आपको इसमें पढ़ने हैं गाइस, जो आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में. बहुत इजी है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है. सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो गाइस है पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है क्या, ये कब आया था, इसको क्यों पढ़ा जाता है, और पार्टनर का क्या मतलब हुआ, फर्म का क्या मतलब हुआ, पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब हुआ, ये सब हम जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे तो हमें इनसे पता चल जाएगा. गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम आ गए हैं अपना सेकेंड यूनिट पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे हम आ चुके हैं. देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आया कब था. नाम से ही पता चल जाता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932.
यानी कि ये एक्ट जो आया था वो 1932 में आया था। 1932 में स्पेसिफिकली किस दिन आया था अगर आपको वो देखना हो तो मैंने यहाँ येलो से हाईलाइट किया है, 1 अक्टूबर 1932 को ये आया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो आपको देखना है वो देखना है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें पार्टनरशिप का मतलब आप समझ जाइएगा। पार्टनरशिप आपको डिफाइन करता है सेक्शन 4, और क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन होना चाहिए जो एग्री हुए हो, सहमत हुए हो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ऑन ऑफ अ बिजनेस। किसका प्रॉफिट, तो बिजनेस का प्रॉफिट जो कैरीड ऑन बाय ऑल, कौन इसको चला रहा हो, सब मिलके, सारे पार्टनर मिलके, या फिर कोई एक पार्टनर बिजनेस को चला रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ सब सारे पार्टनर के। ठीक है, तो क्या हुआ डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि दो दो जिससे ज्यादा व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप, जिन्होंने सहमति की हो कि वो जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो उसको शेयर करेंगे आपस में, और जो बिजनेस चलाएंगे वो सब मिलके चलाएंगे या फिर कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन, कम से कम दो व्यक्तियों का जो है समूह होना चाहिए। अगर आपको पार्टनरशिप गाइस बनानी है, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना है, तो मिनिमम आपके पास टू पार्टनर होना चाहिए, और मैक्सिमम आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो मैक्सिमम 10 हो सकती है, और बैंकिंग कंपनी का अदर, बैंकिंग कंपनी के अलावा और कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें 20 हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट आपके बीच होना चाहिए। एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट, यानी कि दो लोगों के बीच एग्रीमेंट से पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होता है, ना कि कोई स्टेटस से। स्टेटस का मतलब होता है कि जैसे HUF में होता है कि आप अगर उस फैमिली में जन्म ले गए, बर्थ आपकी उस फैमिली में हो गई है, तो आप उस फैमिली के बिजनेस का हिस्सा आप जन्म से ही हो जाते हैं, यानी कि वो स्टेटस से होता है। HUF जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा स्टेटस का मतलब। आगे देखिए, हाउ एवर इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ लिखा हुआ है हाउ एवर इट इज नॉट नेसेसरी डैट देयर शुड बी अ वेरी फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट जो है गाइज वो जरूरी नहीं हो कि रिटन ही हो, ओरल भी अगर एग्रीमेंट आप कर लेते हो, यानी कि आपने मानिए ए और बी है आपस में बात कर लिए कि हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, इस पे इसका हक होगा, ये आप कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, तो ये ओरल हो गया। और रिटन यानी कि एग्रीमेंट में पूरा एक एग्रीमेंट आप बनवाते हो, स्टैम्प लगवाते हो उस पे, तो वो रिटन एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि बिजनेस होना चाहिए। हम वही जो डेफिनेशन सेक्शन डेफिनेशन जो है हम उसको तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखा आपने, दो लोगों के समूह, एग्रीमेंट आपस में होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ से आना चाहिए था, तो बिजनेस से आना चाहिए था। तो बिजनेस कैसा, फर्स्ट बात बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस मस्ट बी लीगल, चाहे बिजनेस कोई भी हो सकता है, ट्रेड, प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा बिजनेस में कोई वो नहीं है कि ट्रेड ही हो, ट्रेड भी आप हो सकते, ट्रेड भी बिजनेस आपका हो सकता है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। ट्रेड का मतलब आपको मालूम ही है, कोई भी वस्तु को रेडीमेड सामान खरीदना बेचना, और प्रोफेशन आपका हो गया या कोई मैन्युफैक्चरिंग करना, वो भी आपका बिजनेस में आ गया। और प्रोफेशन आपका हो गया कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई, लॉयर की सर्विस हो जाती है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो प्रोफेशंस में कहलाते हैं, प्रोफेशंस में आ जाते हैं। तो बिजनेस आपका क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, चाहे वो ट्रेड भी हो सकता है प्रोफेशन भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात बताऊं तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स यानी जो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा हो उसका आप प्रॉफिट शेयर मस्ट है। अगर आपस में जो पार्टनर है वो अगर प्रॉफिट जो बिजनेस से हो रहा है उसको शेयर कर रहे हैं, तभी आप मानिएगा कि वो पार्टनरशिप है, नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है वही कैरीड ऑन बाय ऑल और वो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो वो सब मिलके काम कर रहे हैं या फिर कोई एक व्यक्ति सभी जो पार्टनर है उसके लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि मानिए ए बी सी तीन पार्टनर है, ए जो है ए बी सी, एक सिचुएशन तो ये बनती है कि ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन हो सकता है कि ए बिजनेस चला रहा हो बी और सी दोनों के बिहाफ पे, तो ए यहाँ एजेंट हो जाता है बी और सी का, और बी और सी प्रिंसिपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ए जो भी काम करेगा उसके लिए बी और सी भी बाइंड होते हैं, यानी कि अगर कोई भी परचेज करता है ए तो
अगर उधार पे परचेज करता है तो क्रेडिटर जो है वो बी और सी से अपनी जो उधार है उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है, यहाँ वही बात लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी डेट ऑल ऑफ देम शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स जो है वो बिजनेस में हिस्सा ले, बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन, लेकिन बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या देखा आपने, दो लोग या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और आपस में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, यानी कि कोई भी जरूरी नहीं हो कि सारे जितने भी पार्टनर है वो बिजनेस को रन करें। ठीक है, अब देखिए ये एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप मानिए एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, मैं यानी कि आपको कोई भी लॉ की नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको एक सिचुएशन दी जाती है तो आपको कैसे पता करना है कि वहाँ वो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश है या नहीं है या वो कुछ और है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए पहली बात वो पाँचों पॉइंट तो होने ही चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज क्या है कि किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो ना तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपके पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो जाए। जैसे मानिए दो या दो से ज़्यादा लोग भी हैं, आपस में एग्रीमेंट भी है और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, ये तो ये आवश्यक नहीं है, बिजनेस भी है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी है, यानी कि अगर ए और बी सी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ए अगर कोई काम कर रहा है तो बी और सी भी उसके लिए बाइंड होंगे। कोई भी काम अगर ए कर रहा है, अगर ए पे कोई लाइबिलिटी आ रही है जो फॉर्म के लिए उसने कुछ किया होगा, तो ए पे अगर लाइबिलिटी आ रही है तो बी और सी भी सेम अमाउंट से लाइबल होंगे, तब जाके वो पार्टनरशिप कहलाएगी। नीचे सारी जो है यही बात दी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑल द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव मस्ट बी प्रेजेंट, जो ऊपर हमने बात बताई वो तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। दस ऑल दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, येट द ट्रू टेस्ट इज द एलिमेंट ऑफ एजेंसी। यानी कि पार्टनरशिप में अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनरशिप का बहुत एक बड़ा एविडेंस है कि वो पार्टनरशिप वहाँ पे एस्टेब्लिश है, लेकिन मेन जो है वो है म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्रेडिटर मानिए आपको पैसा देता है तो क्रेडिटर को आप ये एग्रीमेंट आपने आपस में क्रेडिटर और आपने किया कि जो भी फॉर्म का प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा हम क्रेडिटर को प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिटर को आप प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट की तो शेयरिंग हो रही है। ठीक है, एग्रीमेंट भी है, दो लोग हो गए पार्टनर और क्रेडिटर, बट यहाँ म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यानी कि अगर क्रेडिटर पे कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो पार्टनर भी उसके लिए लायबल हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगेन एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय को आप रेमुनरेशन के रूप में प्रॉफिट का कोई हिस्सा देते हैं तो ऐसा यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं लागू होता है। अगर आप गुडविल खरीदते हो तो सेलर जो जिससे आप गुडविल खरीदते हो उससे आप एग्रीमेंट करते हो कि हम आपको गुडविल जो आप आपका परचेज किया उसके बदले आपको प्रॉफिट का एक परसेंटेज आपको प्रोवाइड करेंगे परचेज कंसिडरेशन के रूप में, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है बट यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं लग रही है। ठीक है, बिकॉज सेलर पे अगर कोई लायबिलिटी है तो अगेन पार्टनर्स पे उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। जबकि देखिए यहाँ लिखा है इन ऑल दीज केसेस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन ऑल दीज केसेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप नेमली एजेंसी इज अब्सेंट। समझ गए, एजेंसी का मतलब वही कि अगर एक पार्टनर कोई भी काम करता है तो इसके लिए जो बाकी के पार्टनर है वो बाइंड अगर हुए तो एजेंसी वहाँ एस्टेब्लिश है, और अगर नहीं हुए तो एजेंसी वहाँ अब्सेंट हो जाती है। जैसे क्रेडिटर, एम्प्लॉय, सेलर ऑफ गुडविल कैन नॉट बाइंड द फॉर्म बाय देयर एक्शन कैन बी कॉल्ड पार्टनर्स, यानी कि वो फॉर्म को अपने एक्शन से फॉर्म को बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट द कोर्ट मस्ट टेक इन टू अकाउंट ऑल द रिलिवेंट सर्कमस्टेंसेस। देखिए हम अभी पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाना जो है वो रिटर्न में अगर नहीं हुआ, ऑरल में अगर हुआ है, तो अगर कोर्ट को डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप एस्टेब्लिश है कि नहीं है, तो अगेन वही आपको देखना पड़ेगा, कोर्ट को देखना पड़ेगा कि कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सम अप आप अगेन देख लीजिएगा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सम अप वही सब बातें दोबारा से रिपीट करी हुई है। आगे जो एक अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई
कुछ जो को ऑनरशिप हो गए, HUF हो गया और क्लब हो गए, कंपनी हो गई, तो आपको पार्टनरशिप और इनके बीच को आप अलग कैसे कर पाएंगे, ये आपको नीचे जो कुछ पॉइंट है उनमें समझाए गए हैं कि आप इन दोनों को जो है इन बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप और कंपनी अलग कैसे है आपको जानना होगा। पार्टनरशिप में क्या फीचर्स होते हैं जो कंपनी में नहीं होते, और कंपनी में क्या होते हैं जो पार्टनरशिप में नहीं होते हैं। तो आपको मैं कंपनी पे ही फर्स्ट लेके चलता हूँ। देखिए, कंपनी कंपनी की एग्जिस्टेंस तभी होती है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब एक बार रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तभी उसका असली में अस्तित्व जो है वो स्थायी होता है। लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जो है वो है क्या, आप वॉलेंट्री, मतलब आपकी इच्छा है, आप करवाना चाहिए, करवाना चाहे तो आप करवा ले, नहीं करवाना चाहे रजिस्ट्रेशन ना करवाए, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आपका क्या बनना है कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपनी में होता है और पार्टनरशिप में नहीं होता है। अगला, अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, दो। लेकिन आपको अगर कंपनी स्टार्ट करनी है और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए होते हैं और प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम भाई कितने चाहिए होते हैं, तो मैक्सिमम अगेन मैं पार्टनरशिप में हमने ऊपर बता दिया कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो 10 और अदर देन बैंकिंग कंपनी है तो 20, कंपनी है तो 20। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम कंपनी में कितने हो सकते हैं मेंबर, तो पब्लिक कंपनी अगर है तो अनलिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये गलत दिया हुआ है, 50 जो दिया है आप देख पा रहे हैं, ये 200 है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आपको मिनिमम नंबर पार्टनर बताए हैं, सेकंड में मैक्सिमम बताया है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे बात को समझ जाइए तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या हुआ, एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। चौथा मैक्स, तीसरा जो पॉइंट हो गया वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, और चौथा जो है वो क्या कह रहा है कि मेंबर का जो स्टेटस होता है वो कंपनी से अलग होता है। मेंबर अलग होती है, कंपनी अलग होती है। कंपनी की लायबिलिटी मेंबर पे कभी भी लागू नहीं होती है, जबकि पार्टनरशिप में फॉर्म की जितनी भी लायबिलिटी होती है उसके लिए मेंबर जो पार्टनर्स होते हैं वो अनलिमिटेड लायबल होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं वो। अब उनको अपने घर से भी ला के देना पड़ सकता है पैसे, अगर फॉर्म के पास इतने पैसे नहीं हुए तो। लेकिन अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी में, जैसे आप मानिए रिलायंस का आपके पास एक शेयर है, तो रिलायंस के अभी डूब जाएगी तो आपसे पैसे मंगवाएगी, नहीं मंगवाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, वो अगर डूबने पे आ रही है, तो उसके क्रेडिटर जो हैं वो पार्टनर्स पे क्लेम कर सकते हैं, भैया आप मुझे पैसे ला के दो, चाहे आप जहाँ से भी ला के दो, ठीक है, वो पार्टनर्स की प्रॉब्लम है। आगे देखिए, छठा पॉइंट है कि कंपनी एज परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी चलती ही रहती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी मेंबर के जाने या किसी के मेंबर्स के आने से। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर मर जाता है या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में आप देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट हो जाती है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है पार्टनरशिप के केस में। अगला जो है आपका, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी जो होती है वो जनरली लिमिटेड होती है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही अनलिमिटेड होती है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, उनको अपने घर से भी पैसे ला के देना पड़ सकता है। तो ये आपके हो गए 7वां पॉइंट, जिसमें आपको टोटल पॉइंट आपने देख लिया कितने, 6। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, सेकंड में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, और थर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, चौथा में मेंबर और कंपनी जो है वो सेपरेट होती है जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। फिर आपने छठे पॉइंट में देखा, प्रीपेचुअल सक्सेशन कंपनी की होती है और पार्टनरशिप की नहीं होती। लायबिलिटी आपने देखा कि मेंबर की लिमिटेड होती है कंपनी में जबकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इस सारे पॉइंट में आप 5-6 पॉइंट ही पढ़ो, बहुत है यार, ये सब केवल डिफरेंस ही है, कोई मैसिव चीज़ है नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊँ, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगता भी नहीं है, ठीक है। आप 5-5 पॉइंट बस याद रख लो, और वैसे भी आपको देखना है बहुत ईजी होगा, सारे जो आपको
इनको डिस्टिंग्यूज करने पड़ेंगे। पांच पॉइंट आप कंपलसरी मिल ही जाएगा हर में। जैसे आप देखो अगेन, फर्स्ट पॉइंट को ऑनरशिप और पार्टनरशिप का डिस्टिंग्यूज अगर आप करो तो उसमें, अगर आप को ऑनरशिप और पार्टनरशिप को डिस्टिंग्यूज करते हैं तो देखिए को ऑनरशिप में अगेन यहाँ देख आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ को ऑनरशिप नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, बट पार्टनरशिप में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो वही आपको ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में होता क्या क्या है, दो से ज़्यादा पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी। देखिए यहाँ एग्रीमेंट फंस गया, उसी पांच में से पॉइंट फंसेगा जरूर, आप देखिएगा। पहला फंस गया ना एग्रीमेंट, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पार्टनरशिप नेसेसरीली इन्वॉल्व्स वर्किंग फॉर प्रॉफिट। देखिए अगेन आ गया प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ आ गया। यहाँ प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता है, को ऑनरशिप जरूरी नहीं हो, हमेशा प्रॉफिट के लिए काम आप करो, ठीक है। अगला देखते हैं, वन को ऑनर कैन ट्रांसफर हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट टू द स्ट्रेंजर, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले जो सिमिलर पॉइंट्स है उसको देखते हैं। चौथा देखिए, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप टू बाइंड द फॉर्म। अगेन म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट है कि पार्टनर जो है वो पार्टनर्स को जो है बाइंड कर सकता है, लेकिन को ऑनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप ऑलवेज इम्प्लाइड अ बिजनेस, अगेन बिजनेस होना जरूरी है और बट को ऑनरशिप में ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हो गए, एग्रीमेंट वाला पॉइंट हो गया, प्रॉफिट वाला पॉइंट हो गया, बिजनेस वाला पॉइंट हो गया, तीन पॉइंट हो गए, चौथा और म्यूचुअल एजेंसी, टोटल चार पॉइंट हो गए इनफैक्ट, ठीक है चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, बस पांच पॉइंट हमें देखने हैं। पांचवा पॉइंट में आपको दूसरा मैं समझा देता हूँ क्या लिखा होता है यहाँ पे, माफ करिएगा तीसरा, वन को ऑनर कैन ट्रांसफर इज राइट एंड इंटरेस्ट टू स्ट्रेंजर। को ऑनरशिप में जो आपका राइट है उसे आप बिना अपने जो आपका को ऑनर है उससे पूछे बिना आप किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो राइट होता है वो थर्ड पार्टी को बिना सारे पार्टनर के कंसेंट के, बिना सबसे पूछे और सबकी सहमति के बिना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ वो पॉइंट बताया गया, ठीक है। देखिए अगला जो है आपका वो पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म विच कैरीज ऑन अ बिजनेस हैंडेड डाउन फ्रॉम इट्स एंसेस्टर्स इज कॉल्ड अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म। यानी कि जो आपके पूर्वज से कोई बिजनेस आपको मिल रहा है वो कहलाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म। आपने HUF सुना है ना, वही है ये। इसका डिस्टिंग्विश देख लेते हैं फटाफट, देखते हैं अगेन एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट सेम पॉइंट्स गाइड मिलेगा आपको, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। एग्रीमेंट पार्टनरशिप में पता है आपको एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट होता है। मैं हाईलाइट कर रखा हूँ गाइस, आप पॉज करके हाईलाइट करिए अपने बुक में प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, आपको नज़र आ रहा होगा मुझे पसीने आ रहे हैं बिकॉज मैं पंखा बंद करके चला रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसका जो मेहनत जो कर रहा हूँ उसको आप यूटिलाइज करिए, ये नहीं वीडियो देख लिया और बस ख़त्म, प्लीज़ हाईलाइट करिए बुक्स में। अगला देखते हैं, इन अ पार्टनरशिप द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द डेथ ऑफ अ पार्टनर डिजॉल्व द फर्म। अगेन अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाए तो जनरली डिजॉल्व हो जाता है, ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको बता दिया। बट इसमें अगर किसी भी को पार्टनर, जो गाइस इसमें मेंबर्स जो होते हैं हम उनको को पार्टनर बोलते हैं, तो अगर इनकी अगर डेथ हो जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली फॉर्म जो है वो बंद हो जाए। आगे थर्ड पॉइंट, इन अ ज्वाइंट फैमिली फॉर्म ओनली द मैनेजर ऑफ करता हैज अथॉरिटी टू बाइंड द मेंबर्स ऑफ हिज बाय हिज एक्ट। अगेन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप में क्या होता है, कौन सा पॉइंट आ गया ये, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए मिल गया आपको एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, दो पॉइंट सिमिलर मिल गया, सिमिलर मिलेगा गाइस पांच पॉइंट आपको पेपर में आ गए तो बहुत इजी है, पांच पॉइंट दोबारा लिखिएगा, पांच ही पॉइंट को आपको उल्टा करके लिख देना है, बोलिए पार्टनरशिप में ये चीज होता है, इसमें ये चीज नहीं होता है, बस बस थोड़ा कहीं कहीं जो मेन स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ उसको मेंशन कर दीजिएगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट में था कि एग्रीमेंट से क्रिएटेड होता है जबकि HUF जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ था कि कर्ता अपने कोई भी एक्ट करता है तो वो अपने एक्ट से बाकी के जो को पार्टनर हैं उनको बाइंड कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर अपने एक्ट के लिए हर एक दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है। चौथा पॉइंट है, इन अ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज पर्सनली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द डेट ऑफ द फर्म। चौथा पॉइंट आपको दिया हुआ है कि
वही अगेन पार्टनरशिप जो है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि एचयूएफ में ऐसा नहीं होता है। एचयूएफ में केवल कर्ता की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो को पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो उतने तक ही होती है जितना उनका शेयर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइनर मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली आर मेंबर्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। नॉर्मली गाइज हम अभी ये माइनर वाला पॉइंट देखेंगे कि पार्टनरशिप में किस प्रकार से एक्ट करता है, कि माइनर जो है वो नॉर्मली एडमिट नहीं हो सकता पार्टनर के रूप में एक पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन ज्वाइंट जो फैमिली फॉर्म है उसमें तो आप जन्म लेते ही आप उस बिजनेस के जो है वो मेंबर बन जाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द पार्टनर हैव अ राइट टू डिमांड अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हर एक पार्टनर्स के पास राइट होते हैं कि वो पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट को डिमांड करवाए, जबकि एक को पार्टनर के लिए ऐसा संभव नहीं है। वो केवल असेट को बांटने के ही डिमांड कर सकता है, यानी कि पार्टीशन, असेट को आप बांट दो। असेट जो है हर पार्टनर के जितने भी राइट है असेट पे उसको आप बांट दो, यही केवल जो है वो डिमांड कर सकता है। पार्टनरशिप को कौन, पार्टनरशिप जो है गाइस उसको कौन गवर्न करता है, अब ये जिसको हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और हिंदू फैमिली फॉर्म को कौन करता है, तो हिंदू लॉ। इसमें आपको जो पॉइंट ध्यान देने हैं कौन कौन से पॉइंट वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, पेपर के मायने से बता रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में जो डेथ हो जाती है तो सब रिजोल्व हो जाता है, उसमें नहीं होता। इसमें थर्ड पॉइंट भी सिंपल है कि लायबिलिटी वाला पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट तो हमारे म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट है, चौथा पॉइंट है लायबिलिटी। ये चार पॉइंट हो जाएंगे गाइज, उसके बाद आप पांचवा ये कर लो, सिंपल है ये, पांच पॉइंट कर लो, बहुत बात खत्म। अगला देखते हैं, पार्टनरशिप एंड क्लब को आप किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश करेंगे। अगेन बिजनेस वाला पॉइंट आ गया, उन्हीं पांच में से फंसने हैं, तो अगेन बिजनेस, क्लब इज नॉट अ बिजनेस, जबकि पार्टनरशिप आप बिजनेस के लिए करते हो। अ मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर, वही बात, कौन सी, म्यूचुअल एजेंसी। अ मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट लायबल फॉर द डेट ऑफ द क्लब, अगेन वही, पार्टनरशिप जो है, पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी के लिए खुद लायबल होता है, जबकि मेंबर क्लब की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होता है। एक मेंबर का डेथ या रेजिग्नेशन इफेक्ट कर सकता है क्लब के एग्जिस्टेंस को, जबकि भैया द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द फॉर्म, माफ करिएगा, डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर इफेक्ट नहीं करेगा क्लब को, क्लब के किसी भी एग्जिस्टेंस को। बट ऑलरेडी मैं आपको बताया, कोई भी अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अ मेंबर ऑफ अ क्लब हैज नो ट्रांसमिसिबल इंटरेस्ट इन द क्लब, सो दैट ऑन हिज डेथ हिज हायर्स कैन नॉट क्लेम टू इनहेरेंट ऑफ हिज राइट्स। इसमें आप चार ही पॉइंट ध्यान रखिए, इजी है तो चार पॉइंट रखिए। तो पांचवा में ये लिखा हुआ है, एक क्लब है, क्लब का आप मेंबर बनते हो, मेंबरशिप फीस देते हो, क्या आपके उस असेट्स पे आपकी कोई राइट होता है, लायबिलिटी पे कोई आपका लायबिलिटी बनती है, नहीं बनती है, तो असेट पे भी आपका कोई राइट नहीं है। इसीलिए अगर आपका डेथ हो जाए तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, हायर होगा, वो उसका कोई राइट नहीं बनता है क्लब पे कि वो ज्वाइन कर ले आपके बेसिस पे। ठीक है, तो लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होता है, पार्टनरशिप में डेथ हो गया आपका, और मानिए एबीसी पार्टनर, ए बी, ए और बी और सी पार्टनर है, सी भी का डेथ हो गया, अभी उसने जितनी भी उसकी प्रॉफिट में हिस्सा था या पार्टनरशिप में हिस्सा था वो तो लिया नहीं, उसने नहीं लिया ना, डेथ हो गई नहीं उसकी, तो अब उसका रिप्रेजेंटेटिव लेगा उस पार्टनरशिप फॉर्म से, उसका रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीज्ड पार्टनर का जो भी हिस्सा बनता है वो रिप्रेजेंटेटिव हासिल करेगा। ठीक, ये पॉइंट वही लिखा हुआ है पांचवा, तो अब इसमें पांच पॉइंट ध्यान रख लो। और इसमें आप देखो, इसमें भी सेम सेम है, बिजनेस वाला पॉइंट आ गया, म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट आ गया, डेथ वाला पॉइंट आ गया, और डेट वाला पॉइंट आ गया, डेट मतलब लायबिलिटी जो होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बार बार ये बोलते जा रहा था कि कोई भी एक पार्टनर्स के डेथ होने से या इंसॉल्वेंट होने से माइट भी जो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाए, कैसे बंद हो जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रिक्वायर्ड है, दो। ठीक है, अगर मानिए ए और बी पार्टनर है, ए की डेथ हो जाती है, अब पार्टनर कितने बचे, एक। इस स्थिति में पार्टनरशिप क्या रहा, वो नहीं रहा, आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग, एक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट किया हमने डिस्टिंग्विश करने का, कुछ एसोसिएशन के बीच में, जैसे क्लब हो गया, कंपनी हो गई, एचयूएफ हो गया,
और आपका को ऑनरशिप हो गई। इनके बीच किस बेसिस पर डिस्टिंग्यूज करना है, तो गाइज वही 5 पॉइंट प्लीज ध्यान रखिएगा, जो उसका मेन आपका डेफिनेशन से जो निकला है, टू और मोर पर्सन एग्रीमेंट प्रॉफिट बिजनेस और म्यूचुअल एजेंसी, और इन्हीं के बेसिस पे आप क्या करिएगा, इनको डिस्टिंग्यूज कर दीजिएगा। एक दो पॉइंट आपको तो और अभी याद भी हो गया होगा सुनते सुनते, कि डेथ हो जाने से इसमें इंसॉल्वेंट हो जाता है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कैसे इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ में इंसॉल्वेंट कुछ में डिसोल्यूट नहीं होते हैं, तो ये आपको बताने हैं, ठीक है। लायबिलिटी वाला पोर्शन 5-7 पॉइंट हो गए, आप ध्यान रखिएगा 5-7 पॉइंट उससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अब नया पोर्शन स्टार्ट करता हूँ, फ्रेश हो गया फ्रेश, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप बनती कैसे है, क्या क्या जरूरी है। तो एक पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होने जरूरी है। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सब क्या होते हैं हिमांशु भाई, ये आपने तो बताया नहीं। गाइज ये मैं आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। नॉर्मल आपको बता दूं क्या, फ्री कंसेंट मतलब होता है आपको धमका के आपकी मंजूरी ना ली गई हो, आपको कोई झूठ बात बता के मंजूरी ना ली गई हो। कंसिडरेशन, ए और बी पार्टनर है, एक दूसरे को कुछ फायदा होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। पार्टीज, जो आपका पार्टनर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में होना चाहिए, यानी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं होता है, क्योंकि हमारे लॉ में बताया गया है कि जो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो आपकी एज जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आगे वही बात, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। अगर रिटर्न हुआ तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, और अगर पार्टनरशिप डीड आप बना रहे हो तो वो स्टैम्प्ड होना जरूरी है। किसके तहत, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट, नीचे वाला पॉइंट में आपको यही लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है। हाँ देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बातें को शामिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में हर एक पार्टनर साइन करेगा। उसके बाद कौन कौन सी बातें आएगी भाई ये बता दो हमें, तो वो आएगी नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम बताइए, जहाँ प्रिंसिपल प्लेस, जो मेन प्लेस है बिजनेस का, जहाँ बिजनेस कर रहे हो, वो एक प्रिंसिपल होता है एक सेकेंडरी होता है। प्रिंसिपल आप जानते हो ना, जो मेन हेड ऑफिस होता है उसका आप एड्रेस बताओ। फिर नेम ऑफ अदर प्लेस, और कोई प्लेस जगह आप बिजनेस कर रहे हो वो बताओ, वो बताइए। फिर डेट ऑन पार्टनर जो है फॉर्म को किस किस डेट पे ज्वाइन किया है वो बताइए, और पार्टनर का पूरा नाम और पूरा एड्रेस वो भी बताइए। तो ये सब आपको जानना है गाइस, ये नॉर्मल सी चीज़ है। आपको पार्टनरशिप कभी स्टार्ट करनी है, इसकी नॉलेज हुई तो सोचिए आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्म लीजिए, उसमें ये सब चीज़ें बात फुलफिल कर दीजिए और बन गया आपका पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्टर करवा लीजिए उसको, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में गाइस आपको ड्यूरेशन भी बतानी पड़ती है, पार्टनरशिप आप कितने समय के लिए स्टार्ट कर रहे हो, क्या कोई लिमिटेड पीरियड के लिए स्टार्ट कर रहे हो, या किसी मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपका टाइम आपको नहीं बताना है, जब तक आपके चले आपके इच्छा के ऊपर है, जब तक आप चलाना चाहो चला सकते हो, ठीक है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, छठे पॉइंट में यही लिखा है। अब हमने समझ लिया कि हमें रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बातें बतानी पड़ती है। अब देखिए, रजिस्टर्ड आपने करवा लिया तो बहुत बढ़िया, क्यों बढ़िया भैया, नहीं करवाओगे तो कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा, उससे बढ़िया करवा लो। तो हिमांशु भाई करवा ले तो खर्चा भी तो है, इसलिए बताओ तो सही पहले कि कौन कौन से नुकसान झेलने पड़ेंगे अगर नहीं करवाया तो गाइस वो हैं, देखिए पहला, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और एनी पार्टनर टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसी भी पार्टनर के खिलाफ या अपने फॉर्म के खिलाफ एक केस फाइल नहीं सूट कर सकता, किस लिए, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बेसिस पे अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, इसके लिए आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया,
क्योंकि मानिए आपको कहा गया हो कि भैया हम आपको 3Y मानी ABC पार्टनर है उनका 3:2:1 रेशियो है, ए को 3/6 हिस्सा हुआ प्रॉफिट का, अब उनको अब ए को जो है 1/6 प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, उसके साथ तो लॉस हो गया, लेकिन फिर भी वो केस फाइल नहीं कर सकता इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। और भी बाकी एक्ट हैं जिसमें वो केस फाइल करके अपने जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है उसका क्या बोलते हैं भुगतान ले सकता है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसका ये नुकसान है। ठीक है, अगला, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म फाइल नहीं कर सकती सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। समझे, थर्ड पार्टी के खिलाफ, थर्ड पार्टी ने कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बात कही थी, उस बात को पूरा नहीं किया, आपके साथ हो गया लॉस, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते। आगे, हाउएवर द थर्ड पार्टी इज फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप भी थर्ड पार्टी के खिलाफ ऐसे कुछ फायदा उठा लीजिए और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आप बच जाइएगा, तो नहीं, थर्ड पार्टी आपके खिलाफ केस सूट कर सकती है, आप थर्ड पार्टी के खिलाफ केस सूट नहीं कर सकते हैं। आगे फटाफट देखते हैं, एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ ऑफ अबव सो इन अ सूट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग। तो हमने क्या कहा आपको कि नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म के क्या नुकसान है अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे राइट आपसे छीन लिए जाए, कुछ राइट आपके रहेंगे भैया, ज़्यादा चिंता ना करो। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से राइट आपके पास बचे रहेंगे। तो फर्स्ट, द राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू सू द फॉर्म और एनी पार्टनर, यानी कि भैया थर्ड पार्टी आपके खिलाफ केस सूट कर सकती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये अफेक्ट नहीं होगा आपके नॉन रजिस्ट्रेशन होने से। द राइट ऑफ अ पार्टनर जो है वो डिसोल्यूशन के लिए एक्शन ले सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है, देखिए तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके पास कोई राइट है अगर और उसका आपको सही तरीके से आपके साथ लॉस हो गया तो आप क्या बोलते हैं केस फाइल सूट नहीं कर सकते हो, केस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर कोई भी आपके साथ लॉस हुआ है तो जैसे कि आपके फॉर्म का नाम कोई यूज़ कर रहा है आपको बिना बताए, तो आप थर्ड पार्टी के खिलाफ केस सूट कर सकते हो चाहे आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म क्यों ना हो। आगे, डिसोल्यूशन के समय जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। गाइस, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके प्रॉपर्टी को रियलाइज किया जाता है फॉर्म के डेट को चुकाने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी राइट ऑफिशियल असाइनी इसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करती है कोर्ट, तो उसके जितने जो भी पावर है उसके पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके फॉर्म के अनरजिस्टर्ड होने के कारण, और फॉर्म जो है अ सूट और सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग फॉर्म जो है सूट फाइल कर सकती है थर्ड पार्टी के खिलाफ अगर 100 रुपये से कम का अमाउंट है। ये 100 रुपये आप समझ रहे हैं ना कम का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो 1872 में जब बना होगा तब ऐसा लिखा गया है 100 रुपये। ठीक है, अगला देखिए, द राइट ऑफ अ फर्म और पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एक फर्म या फिर एक पार्टनर का राइट जिसका कोई भी बिजनेस प्लेस नहीं है इंडिया में, उसका कोई भी राइट अफेक्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में आपको अगर पूछता है कि बताइए कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म होने से फर्म को क्या नुकसान है और कौन से चीज़ों में किसी भी प्रकार का अफेक्ट नहीं आता है, तो आपको ये ऊपर के 3 पॉइंट और यहाँ नीचे के 5 या 6 पॉइंट लिख देने हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं सारे। ठीक है, आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन टाइम, अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना कब है। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन आप एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड इट एनी टाइम बिफोर इट इज एक्चुअली डिसॉल्व। तो एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है अपने लाइफ टाइम में, लेकिन डिजॉल्व होने से पहले, यानी कि लाइफ टाइम में डिजॉल्व अगर आप हो गए, लाइफ टाइम खत्म, तो डिजॉल्व होने से पहले। आगे देखिए, रेड में मैंने
हाईलाइट किया है, बट इन एनी केस इट शुड बी रजिस्टर्ड बिफोर फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट। डिजॉल्व होने से पहले आप तो नहीं करवाए, ठीक है, लेकिन डिजॉल्व वाला कुछ पॉइंट तो है ही, डिजॉल्व से पहले आपको करवा लेना। लेकिन कोई और केस है, जैसे कि आप केस फाइल कर रहे हो किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ, या किसी भी पार्टनर के, कोई पार्टनर फर्म या किसी और पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर रहा है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कंपनी फर्म को जो है रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, तभी उसका फाइल केस जो है वो फाइल किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए बी एंड सी आर पार्टनर्स वाज फॉर्म्ड एंड इट कमेंस इट्स बिजनेस बिफोर गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड। ए बी सी पार्टनरशिप फर्म बनाए और उन्होंने कमेंस कर दिया अपना बिजनेस बिफोर रजिस्टर्ड करवाने से पहले। द फर्म फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर अ क्लेम ऑफ रुपीज 5,000। गाइज, फर्म ने, थर्ड पार्टी है एक्स, उसके खिलाफ केस फाइल सूट कर दिया, कितने का, 5,000। क्या अलाउड है, नहीं अलाउड है, 100 रुपये तक ही आपका अलाउड है। 100 रुपये से अगर ज़्यादा है तो आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी आपका केस फाइल हो पाएगा। क्या लिखा आगे, द फॉर्म वॉज रजिस्टर्ड, आगे क्या लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये के लिए सप्लाई टू हिम इमिडिएटली आफ्टर फाइलिंग द सूट। क्या हुआ ना कि द फॉर्म रजिस्टर्ड करवा ली कब, फाइल जो है आपका केस जो है वो फाइल करवाने के बाद, जबकि आपको रजिस्टर्ड होना है केस जो है फाइल करने से पहले। द कोर्ट विल डिसमिस, कोर्ट नॉर्मल से जब डिसमिस कर देगा, क्योंकि आपका राइट यहाँ बनता ही नहीं है। अगर आप एक रजिस्टर्ड फॉर्म हो तभी आपका राइट बनता है एक थर्ड पार्टी को स्यू करने का, अगर 100 से ज़्यादा रुपीज़ का अमाउंट है तो। आगे देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए जल्दी जल्दी। फॉर्म एंड फॉर्म नेम क्या है, कॉन्सेप्ट भाई बताओ तो, देखते हैं भाई क्या है। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। नॉर्मल सी बात है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी को क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स बोलेंगे, और ए और बी दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, तो फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली पार्टनर और कलेक्टिवली फॉर्म, द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फॉर्म नेम, ठीक। आगे देखिए, ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, कितने समय के लिए पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करेगा। गाइज, ये आप तय कर भी सकते हो और नहीं तय कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है मे फिक्स, मे का मतलब हो सकता है, आपकी मर्जी है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना हो तो मत। देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता चलेगा अभी। देखिए पहला है रेड में, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, वेयर द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हुए और पार्टनरशिप डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने समय के लिए चलाना है, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड अगर पूछेगा बेटा बताओ क्या होता है, भाई बताओ क्या होता है, तो आपको बताना है अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि मुझे पार्टनरशिप जो है कुछ पीरियड के लिए ही एक्टिव चलाना है, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन द पीरियड इज ओवर, तो पार्टनरशिप जो है बंद हो जाती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड में। अगला है रेड में, देखिए बेयर द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। अगर किसी आप मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसको पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और ये खत्म हो जाता है जब वो आप उस वेंचर को कंप्लीट कर लेते हो। अगला, अच्छा इसी में देखिए ग्रीन में किया हुआ हाईलाइट, इट इज ऑल्सो ओपन टू पार्टनर्स टू से नथिंग अबाउट द ड्यूरेशन। तीसरा होता है कि आप चाहिए तो आप मत बताइए कोई भी ड्यूरेशन का टाइम, उसे आप बोलेंगे, और जब तक आपकी इच्छा तब तक उसे चलाते रहिए, उसे बोलेंगे आप पार्टनरशिप एट विल। और ये डिजॉल्व होता है जब एक पार्टनर्स नोटिस देगा दूसरे सभी पार्टनर को कि भैया अब हमें पार्टनरशिप नहीं चलानी है, मैं पार्टनरशिप में अब काम नहीं करना चाहता, आप प्लीज़ फर्म को डिजॉल्व कर दीजिए, तो इस केस में फर्म डिजॉल्व हो जाती है। तो हमने कितने देखे, 3 ड्यूरेशन। फर्स्ट, अगर फिक्स्ड पीरियड के लिए है तो हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ये ख़त्म होता है उस पीरियड के एंड होने पर। दूसरा, अगर आप किसी वेंचर को कंप्लीट करने के लिए खोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और ये कंप्लीट होता है कब, कब,
जब बेंचर कंप्लीट होता है। और तीसरा, आप चाहे तो कोई ड्यूरेशन बता ही ना, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पार्टनरशिप को बोलेंगे पार्टनरशिप एडविल। और ये कब खत्म होगा, जब कोई भी पार्टनर सभी पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस देगा कि भैया आप मुझे पार्टनरशिप में काम नहीं करना, पार्टनरशिप को प्लीज डिजॉल्व कर दीजिए, तो इस केस में वो पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है गाइस, देखते हैं। ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म और सब्सिक्वेंटली एडेड देयर टू। यानी कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सारी जो प्रॉपर्टी होती है, राइट होता है किसी प्रॉपर्टी में या कोई इंटरेस्ट हुआ प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो सब फर्म की प्रॉपर्टी कहलाती है। द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म। कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो फर्म के पैसे से, कोई भी एसेट आप खरीदते हो, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी कहलाती है। गुडविल ऑफ द बिजनेस, जो फर्म की गुडविल बनी है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। तो फर्म की प्रॉपर्टी कौन कौन सी, तीन बात हुई, कोई भी राइट हो गया प्रॉपर्टी हो गई, वो फर्म का प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, कोई भी एसेट खरीदते हो फर्म के पैसे से, वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। बिजनेस का गुडविल फर्म की प्रॉपर्टी हो गई, तो तीन चीज हुई फर्म की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बहुत जल्दी जल्दी गाइस, प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। पार्टनरशिप डीड, बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जब एग्रीमेंट को आप रिटर्न में करते हो तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बताया था कि नहीं, बताया था भाई। वो तो पार्टनरशिप डीड क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब जब आप रिटर्न में करो, तो इम्प्लाइड का मतलब आपके जो आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम से ही पता चल जाए कि आप पार्टनरशिप में हो, यानी प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, वो इम्प्लाइड है ना कि आप पार्टनर्स हो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बात। देखिए क्या आगे लिखा है गाइस, कि एंड द लेटर में बी कंक्लूडेड फ्रॉम द कंडक्ट और द कोर्स डीलिंग ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द सरकमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी कि एग्रीमेंट जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, और बाद में आप जो कंडक्ट करते हो, अगेन वही प्रॉफिट शेयर करते हो आगे, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग ऑफ द पार्टीज, आपस में पार्टीज जो डील करती है उस कोर्स से ही पता चलता है कि आप पार्टनरशिप में हो, या फिर किसी ऐसी सरकमस्टेंसेस जिससे पता चलता है कि आप पार्टनरशिप में हो। रेड में देखिए हाईलाइट किया हुआ है, आपको हाईलाइट पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि विदाउट हाईलाइट पे। बट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ये सारे ऑप्शन से पार्टनरशिप डेट बनती है, लेकिन ये अच्छा रहता है कि आप राइटिंग में पार्टनरशिप डेट बनाइए। आगे देखिए, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। वही बातें, एग्रीमेंट रिटर्न में है उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आप बताते हो नेचर एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर प्ले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताते हो, नेचर ऑफ बिजनेस बताते हो, बिजनेस का नेचर क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेम ऑफ द फर्म बताते हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, वही सारी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या फिल करनी है वही आप पार्टनरशिप में बताते हो, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, PSR उससे ज़्यादा बताते हो, लेकिन नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म बिजनेस, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ये सब बातें तो उसमें भी थी। उसके एक्स्ट्रा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, PSR आपको कहाँ से मिलता है, पार्टनरशिप डीड से। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड क्या होता है 12th में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में आप बताते हो, ड्राइंग अगर कोई करना है आपको अलाउड करना है तो आप पार्टनरशिप डीड में बताते हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा कोई पार्टनर का डेथ और रिटायरमेंट हो गया तो, और भी बहुत कुछ। पार्टनरशिप डीड को आपको स्टैम्प्ड कर लेना है अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फटाफट इसको खत्म करते हैं गाइस। हु कैन बिकम अ पार्टनर, पार्टनर कौन बन सकता है, कोई भी पार्टनर बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, बस दो शर्त। फर्स्ट, आप माइनर नहीं होने चाहिए, और दूसरा, आप जो हैं वो लुनेटिक भी नहीं होने चाहिए। लुनेटिक यानी कि शराब के नशे में नहीं होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, आपका दिमागी हालत सही होना चाहिए, तब आप कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हो। देखिए कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा कि बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन माइनर नहीं कर सकता। अब
यहाँ जो पॉइंट स्पेशल कंसिडरेशन करके जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि माइनर को अगर आप बनाते हो तो क्या क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं कर सकते हो तो पार्टनरशिप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए आप बना सकते हो। यानी कि माइनर पार्टनरशिप में बेनिफिट लेने के लिए पार्टनर बन सकता है, लेकिन किसी भी लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल नहीं होगा। अगला है, एन एलियन एनिमी कैन नॉट बी पार्टनर इन द फर्म। समझे आप क्या कहना चाह रहा है? पार्टनर्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉर्मल एवरी पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टनर हो सकता है, ठीक है। लेकिन माइनर तो है नहीं, तो क्या वो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बेनिफिट के लिए केवल, लाइबिलिटी के लिए नहीं। एलियन एनमी, एलियन एनमी का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको ये बताऊं। कोई भी फॉरेन देश का सिटीजन या गवर्नमेंट, ठीक है, उससे हमारी गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रेन करती है कि आप किसी भी प्रकार का ट्रेड या बिजनेस उनसे ना करो, तो वो कहलाती है एलियन एनमी। क्या? कोई भी फॉरेन कंट्री का सिटीजन या गवर्नमेंट जिससे हमारी गवर्नमेंट कहती है भैया उससे ट्रेड मत करो, रिस्ट्रेन करती है, इस केस में वो व्यक्ति कहलाएगा हमारे लिए एलियन एनमी, या वो कंट्री हमारे लिए कहलाएगा एलियन एनमी। तो एलियन एनमी के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब शराबी। क्या अनसाउंड माइंड होता है? शराब जब आप पीते हो तो क्या आप अपने का आपे में रहते हो? आप क्या बोलते हो आपको पता होता है? नहीं। तो वही साउंड माइंड मतलब जो आप कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो आपको पता है। अगर ऐसा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो तो पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हो। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कंपनी कर सकता है, एंटर हो सकता है इनटू पार्टनरशिप, बिकॉज इट इज अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कर सकता है भैया, हमें बताओ। आपने सुना है कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ, तो वो एक पर्सन है, इसीलिए कंपनी भी पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकती है, एक फॉर्म भी पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकती है। फटाफट देखिए कौन कौन। कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या माइनर नहीं है? माइनर है, माइनर भी कर सकता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। एलियन एनमी के साथ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, कंपनी पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकती है, और एक फॉर्म भी पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकती है। चलिए देखते हैं अगर अगला कॉन्सेप्ट गा गया, अगला कॉन्सेप्ट गाइस। चलिए देखो, माइनर को अगर आप एडमिट करते हो पार्टनर के रूप में तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सेक्शन 30 डिफाइन करता है कि माइनर भैया फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार ले सकता है, किसी भी हैज एक्सेस एंड इंस्पेक्ट कॉपी एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। यानी कि एक माइनर एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है फर्म के अकाउंट्स को, फर्म के अकाउंट्स को उसको हासिल कर सकता है, ये उसका राइट है, वो चेक कर सकता है, ये उसका राइट है, और उसकी एक कॉपी ले सकता है, ये भी माइनर का राइट है। माइनर का राइट क्या हुआ? प्रॉफिट में हिस्सा लेना, अकाउंट फॉर्म की चेक करना, कॉपी लेना उसका। द माइनर इज नॉट, लेकिन माइनर लायबल नहीं होता है किसी भी डेट के लिए फॉर्म के। वो फाइल सूट नहीं कर सकता है अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो, फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। लेकिन अगर वो फॉर्म से हटना चाहे, वॉन्ट्स टू सीवेयर हिज कनेक्शन, तो वो फाइल कर सकता है केस। एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ द अटेनिंग मेजोरिटी और ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, माइनर हैज टू इलेक्ट आइदर टू बिकम और नॉट टू बिकम। गाइस देखिए, अगर माइनर एडमिट होता है पार्टनर के रूप में तो वो जब मेजोरिटी यानी कि वो जब मेजर हो जाता है, या फिर जब से उसको पता चलता है कि फॉर्म ने उसको पार्टनर्स के रूप में स्वीकार कर लिया है, जो भी उसके 6 महीने के अंदर जो भी बाद में आए, उसके 6 महीने या तो क्या बोलते हैं, बाद में आपको पता चले कि आपको पार्टनर्स ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हो, या फिर
आपने मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो है यानी मेजर आप हुए हो, इन दोनों में से जो भी बाद में आता है उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है गाइस कि आपको पार्टनर्स बनना है नहीं बनना, आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है। आगे 6 पॉइंट देखिए फटाफट। अ माइनर हु दस बिकम अ पार्टनर विल बिकम पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फॉर्म इंक्लूडिंग सिंस द डेट ऑफ हिज एडमिशन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। एक माइनर जो है वो पार्टनर अगर बनता है तो वो सभी फॉर्म के सारे डेट के लिए लायबल हो जाता है, ठीक है, कब से, जब से उसका एडमिशन हुआ था फॉर्म में बेनिफिट के लिए, यानी कि जब एक माइनर एडमिट हुआ था उस समय से ही फॉर्म की जितनी भी लायबिलिटी होगी उन सब के लिए वो लायबल हो जाएगा। अगर एक माइनर जब मेजर बनता है तो वो चूज कर ले कि उसको पार्टनर बनना है तो। वेयर द माइनर नॉट इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अगर माइनर तय करता है कि वो पार्टनर उसको नहीं बनना है तो क्या क्या बातें होगी। His right and liabilities continue to those of the minor up to the date on which he gives public notice to not to become its partner. यानी कि उसकी right और liability जो है वो minor की तरह ही रहेगी जब तक कि वो public notice ना दे दे कि वो partner नहीं बनना चाहता, ठीक है, जब तक उसने notice नहीं दिया तब तक same उसकी right and liability रहेगी जब minor की थी, लेकिन अगर वो notice दे दिया कि हाँ उसको partner बनना है तो उसकी liability कब से start होगी guys? कौन कौन से लायबिलिटी पे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहाँ से, जहाँ जब से वो माइनर के रूप में एडमिट हुआ था, ठीक, प्लीज़ ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर नहीं ये बात समझ में आई तो कमेंट बताइए, मुझे कमेंट में बताइए। हिज शेयर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफ द फॉर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, उसका से देखिए नोटिस अगर उसने दे दिया कि उसको नहीं बनना है उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ें फॉर्म कुछ भी करे वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। उसके बाद ही कैन सी यू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फॉर, अगर उसको नहीं बनना है पार्टनर और अगर जो बाकी पार्टनर्स है उसके शेयर को नहीं दे रहे हैं तो वो केस फाइल कर सकता है। फटाफट गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है लगता है मुझे वो देखिए, ये है क्लासेज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, क्लासेज ऑफ पार्टनर्स में देखते हैं क्या क्या बातें हमें देखनी है। एक्चुअल पार्टनर, या मैं आपको ये ना नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, बाय गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको लाइव दिख रहा होगा कि कितना पसीना आ रहा है मुझे, बिल्कुल पंखा बंद करके मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और अगर प्लीज़ ये शुरुआती वीडियो है आपको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझसे, अगर आपको अभी बातें नहीं समझ में आ पा रही है उतना ज़्यादा अच्छे से तो कमेंट करिए प्लीज़, और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगिए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर ज़रूर कमेंट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे से, आपको ज़रूर मेरी बातें समझ में आएगी, एक दो वीडियोस का टाइम दीजिए प्लीज़ मुझे, आपको ज़रूर मेरी बातें समझ में आएगी गाइस, अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और प्लीज़ अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ 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 करिए ना, प्लीज़ कर दिया आपने, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।